बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज़ होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। इसी तरह ऑक्सीडेशन में जो होता है ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लूज़ होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नाम से जाहिर है कि दूसरे सब्सटेंस की क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजिस कर देगा, यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब है इस पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन अपनी क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। कैसे, इलेक्ट्रॉन को लेके। एग्जाम्पल क्या है, नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों की रिडक्शन करे। अब दूसरों की रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब है दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अपनी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। मेटल्स क्या है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो इन पर क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक हो गया, इसका मतलब है जो आपके मेन नाम लिखे हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बिल्कुल अपोजिट क्या है, या रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। अब आगे कुछ फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल हैं। अगर हमने कल रूल्स देखे थे तो रूल्स के मुताबिक वो एटम जो अकेली हालत में या फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन अकेली हालत में है, इसका मतलब है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो है। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस वन होती है, क्लोरीन की क्या होती है, माइनस वन। क्लोरीन की माइनस वन है, टू एटम्स है, टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आ जाएगा, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो अगर माइनस टू इधर आ रहा है तो प्लस टू आ रहा है। याद रखना है, अगर आपको एक एटम की वैलेंसी नहीं आती तो दूसरे की एटलीस्ट आती होगी। दूसरे के पहले फाइंड कर लें, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया जेड एन सी एल टू है, तो सी एल की वैलेंसी माइनस वन है, एटम कितने हैं सी एल के, टू, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव, तो साथ क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। अब हमने देखना है कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये जिंक है, जिंक के इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे जिंक के पास प्लस टू है, इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो पहले पॉजिटिव चार्ज था वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है, तो हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वाटर। ये दोनों फ्री स्टेट में है तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। हाइड्रोजन का प्लस वन, एटम कितने हैं, टू, तो प्लस टू, साथ क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम हो गए हैं, पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया, इसलिए इसका ऊपर क्या हुई है, रिडक्शन हो गई है। ठीक हो गया। आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करके आने, ठीक है बेटा, ओके जी। आगे भी उसने बताया हुआ है, ये देखें, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एच टू और ऑक्सीजन एच टू ओ बना रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन, एक ही नाम है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, लेकिन काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तक करके आना है बेटा आपने। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।